बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। संकल्प पत्र बीजेपी ने कर्नाटक के लिए जारी कर दिया है। अब से कुछ ही देर पहले संकल्प पत्र में प्रमुख बातें आरक्षण को लेकर कही गई हैं। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा घोषणा पत्र में किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। बीपीएल परिवार को 3 सिलेंडर मुफ्त देने की इस संकल्प पत्र में घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही यूसीसी का ऐलान यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऐलान किया गया है। 5 लाख के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। ये तमाम वो चुनावी वादे इस घोषणा पत्र में बीजेपी के दे दिए गए। तो बड़ा चुनावी दांव यहां पर बीजेपी ने चल दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है और साथ ही साथ कई और वादे जो है वो यहां पर किए गए हैं। बीपीएल परिवार को 3 सिलेंडर मुफ्त की वादे यहां पर जब पिटारा बीजेपी का खुला है तो चुनावी वादे में क्या क्या है वो आपको बता दें। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, ये बात अपने चुनावी वादे जो उन्होंने जारी किया अपना घोषणा पत्र बीजेपी ने उसमें किया है और जो एक तरफ से कई इशारे करता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये बीजेपी के लिए एक ऐसा वादा हो सकता है जिससे बीजेपी के लिए आगे की रणनीति और आसान हो, चुनाव में एक बार फिर से पैर जमाने की स्थिति बन पाए, सभी वार्ड में अटल आहार केंद्र खुलेंगे, ये सारे चुनावी वादे हम आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि 5 लाख के कर्ज पर कोई ब्याज नहीं होगा। इसके साथ ही साथ आरक्षण का दाव, बीपीएल परिवारों को 3 रसोई गैस सिलेंडर जो हैं वो फ्री में दिए जाएंगे। बीपीएल कार्ड धारक जो हैं उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा अगर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आती है। तो तमाम उन चुनावी वादों के साथ बीजेपी के दिग्गज इस वक्त रणभूमि में उतर चुके हैं। सभी दिग्गजों के हिस्से चुनावी रैलियां। इस बीच कर्नाटक चुनाव बेहद अहम मोड़ पर इस वक्त, क्योंकि दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी तरफ से जोर लगा रही हैं। कांग्रेस का वापसी का जोर है, वहीं बीजेपी की सरकार बचाए रखने की मुहिम है। अगले 5 साल भी बीजेपी ही कर्नाटक में आए, इस बात पर पूरा जोर लगाया जा रहा है। यही वजह है कि बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री स्वयं हो, सब एक एक करके कर्नाटक का रुख कर रहे हैं, जहां पर चुनावी रैलियां होंगी, रोड शोज किए जाएंगे और इसके साथ ही अब ये घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।